हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। टुडे अगेन वी आर डूइंग स्क्रैच वर्क। दिस टाइम वी हैव टू डू वर्क ऑन द अपीयरेंस। हमें क्या करना है, इस बार अपीयरेंस पे वर्क करना है कि स्प्राइट का अपीयरेंस अब कैसे चेंज होगा। ठीक है, अब देखो, लास्ट टाइम हमने किया था कि इसका अपीयरेंस पे हमने कलर्स पे चेंज किया था। ठीक है, बट आज हम देखेंगे कि कैसे स्प्राइट कुछ कहता है। अब देखो, स्प्राइट क्या है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारी तरह कुछ वर्बली नहीं बोल सकता। ठीक है, तो ये कुछ लिख के दिखाएगा तभी ये हमको बोलता हुआ दिखाई देगा, मतलब कि हमें ऐसा लगेगा कि ये कुछ कह रहा है। ठीक है, अब जो भी मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे अपीयरेंस की बात करनी है या कुछ भी मुझे ऐसा देखना है कि स्प्राइट कुछ कह रहा है या कुछ भी करना है, तो वो हमें लुक्स में जाना होगा। ठीक है, जैसे अगर हम गए यहाँ पे लुक्स में, ये हमने क्लिक किया, अगर हमें अपीयरेंस की बात करनी है, हमें करवाना है कि स्प्राइट कुछ कह रहा है, तो हम क्या करेंगे, लुक्स में। ठीक है, तो अब देखो, लुक्स में क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे किस पे आ जाएंगे, से के ऊपर। यहाँ पे देखो, हमको से का ऑप्शन मिल रहा है और टू ऑप्शंस हैं हमारे पास यहाँ पे से के। एक है से हेलो फॉर 2 सेकंड्स और एक है से हेलो। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर हम इसको लगाते हैं 2 सेकंड्स के लिए, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो स्प्राइट कहेगा वो सिर्फ 2 सेकंड्स के लिए कहेगा और यहाँ पे ये परमानेंट रखेगा जब तक कि हम लोग रेड बटन को नहीं दबाते, नहीं प्रेस करते। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्क्रिप्ट लगाएंगे। स्क्रिप्ट लगाने के लिए हमारा सेम वही प्रोसीजर, इवेंट में जाके सबसे पहले वेन क्लिक लेना है। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना है, लुक्स में जाके से हेलो, पहले मैं लेती हूँ से हेलो फॉर 2 सेकंड्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, ग्रीन फ्लैग पे क्लिक। देखो, आ गया यहाँ पे से हेलो और 2 सेकंड्स के लिए आया और उसके बाद ये हट गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको हटा के और ये लगा दूं, अब देखो ग्रीन फ्लैग पे करना है क्लिक। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, ये परमानेंट रहेगा जब तक कि मैं इसके ऊपर क्लिक नहीं करती। अब हमने क्या किया, देखो रेड फ्लैग पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखो हट गया यहाँ से। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे, अगर हमें ऐसा दिखाना है कि स्प्राइट कुछ कह रहा है, तो हम लुक्स में जाके यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ हेलो ही दिखाना है, आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। आपको सपोज यहाँ पे करना है, इस पर क्लिक करेंगे हेलो के ऊपर, देखो ये हाईलाइटेड हो गया। तो अब आपको यहाँ पे डालना है सपोज व्हाट्स योर नेम एंटर। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रीन फ्लैग पे क्लिक और अब देखो क्या आ गया, व्हाट्स योर नेम। तो जो भी आप यहाँ पे टाइप करेंगे वो चीज हमको यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हम अगर अपने स्प्राइट का साइज चेंज करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे। देखो, स्प्राइट का साइज चेंज करने के लिए, जैसे देखो हमारे पास ये ऑप्शन है चेंज साइज बाय 10। अगर मैं इसको यहाँ पे लूँ, इसको हम ड्रैग करके लेके आते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे इसका साइज को चेंज कर दिया और मैंने यहाँ पे कर दिया 60 और एंटर। अब देखो, अगर मैं ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करती हूँ, देखो स्प्राइट का साइज चेंज हो रहा है। सी, जैसे जैसे हम क्लिक कर रहे हैं वैसे वैसे इसका साइज चेंज होता जा रहा है। ठीक है, तो अब जैसे ही हम लोग रेड फ्लैग पे क्लिक करते जाएंगे तो ये हमारा वर्क यहाँ से हट जाएगा। और यहाँ पे जैसे अगर मुझे फिर से इस पे चेंज करना है, 60 हटा के मैं फिर से इसको नॉर्मल साइज पे लेके आऊँ, 10 किया मैंने एंटर, और अब फिर से हम ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करेंगे, सी देखो, तो ये फिर से हमारा और ज्यादा ये बढ़ गया। चलो अब ठीक है, हम इसको एक बार न्यू प्रोजेक्ट लेते हैं, जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, विदाउट सेविंग हम इसको न्यू प्रोजेक्ट पे ले लेते हैं और डोंट सेव। ठीक है, ये आ गया हमारा स्प्राइट। तो किस तरह से हम लोग इसका साइज चेंज कर सकते हैं और क्या हम लोग इसको कहते हुए दिखा सकते हैं, वो हम लुक्स करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है हमारी कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा स्प्राइट, हमने कोई भी स्क्रिप्ट लगाई और हमारा स्प्राइट रिपीट करता रहे एक्शंस को, तो कैसे करेंगे। मैंने आपको नॉर्मली एक बार बताया था कि अगर हम रिपीट करवाना चाहते हैं अपने एक्शंस को, तो हम लोग कंट्रोल ब्लॉक में जाएंगे। कंट्रोल ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जिससे हम किसी चीज को कंट्रोल कर सकते हैं।
ठीक है, अपने अकॉर्डिंग हम उसको चला सकते हैं। जैसे देखो हमने कंट्रोल पे क्लिक किया, यहीं पे हमको वेट भी मिल जाता है, और ये दो जो ऑप्शंस हैं हमारे रिपीट 10 और फॉरएवर, ये दोनों हमारे मेन ऑप्शन है। रिपीट 10 का मतलब है यहाँ पे कि जो भी स्क्रिप्ट हम लगाएंगे वो 10 टाइम्स अपने आप रिपीट होती जाएगी और 10 टाइम्स के बाद वो हट जाएगी। और जरूरी नहीं है यहाँ पे ये 10 हो, हम यहाँ पे चेंज करके जितने भी टाइम लगाएंगे उतने टाइम ये यहाँ पे रिपीट होती रहेगी। और फॉरएवर का मतलब है कि जब तक हम लोग रेड फ्लैग पे क्लिक नहीं करते तब तक ये रिपीट होती रहेगी। जैसे देखो अभी मैं यहाँ पे फिर से हम एक लगाते हैं इवेंट व्हेन क्लिक्ड लगाया हमने, उसके बाद हमने लगाया सपोज मैंने इस पे लगा दिया टर्न। टर्न लगाने के बाद मैं इस पे कहाँ जाएंगे हम लोग, स्टैम्प। टर्न के बाद एक स्टैम्प छोड़ा जाएगा। सपोज अगर मुझे ये लगाना है, देखो हमें क्या रिपीट करवाना है, ये वाला इस तरह से, ठीक है। अब मैं अगर इसको देखो, अभी तो क्या है मुझे यहाँ पे ये ग्रीन फ्लैग पे बार बार क्लिक करना पड़ रहा है, सी एक स्टैम्प छोड़ता जा रहा है ना ये एक सर्किल। अब मैं क्या करूंगी इसका, मैं यहाँ पे अगर सपोज करो कंट्रोल में जाके मैंने रिपीट कराया, ठीक है, रिपीट अभी यहाँ पे मैंने 10 की जगह मैं यहाँ पे क्लिक कर देती हूँ 20, एंटर, ठीक है। अब हम ग्रीन फ्लैग पे करेंगे क्लिक, सी देखो सिर्फ मैंने क्या किया, एक बार क्लिक किया और क्लिक करके छोड़ दिया, और देखो ये अपने आप रिपीट होता जा रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इसको करवा के रिपीट को हटा के यहां से और फॉरएवर लगा देते हैं, इसको मैंने यहीं लगाया और मैंने इसको लगाया फॉरएवर, अब देखो क्या होगा, सी अब ये चलता जाएगा, तब तक चलेगा जब तक हम लोग इसके ऊपर ये क्लिक नहीं करेंगे। तो रिपीट और फॉरएवर में डिफरेंस बस ये है, दोनों का काम यही है कि हम लोग को सिर्फ एक बार उसको लगा के छोड़ देना है, बट इन दोनों का डिफरेंस ये है कि रिपीट के लिए जितना नंबर हम उसके अंदर डालेंगे उतने टाइम से वो यूज करेगा, और फॉरएवर ये कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक कि हम लोग रेड फ्लैग पे क्लिक नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद एक बात आती है साउंड्स की, कि हम किस तरह से इसके अंदर साउंड्स को ऐड कर सकते हैं। देखो स्क्रैच में हम लोग साउंड भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे देखो हमारे पास साउंड का ऑप्शन है, ठीक है। अब जैसे सपोज मुझे यहाँ पे ऐड करनी है प्ले साउंड म्याऊ, यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे लगाया और मैं इसको फॉरएवर को हटा देती हूँ यहाँ से, ठीक है। अब आप देखना जब मैं यहाँ पे ग्रीन फ्लैग पे क्लिक कर रही हूँ, और यहाँ पे ना एक चीज और, चलो पहले यहाँ पे ना इसको यूज करके देखो। देखो अब मैं जैसे ग्रीन फ्लैग पे क्लिक कर रही हूँ तो देखना क्या हो रहा है, देखो आपको यहाँ पे क्या है, एक साउंड सुनाई दिया, ठीक है। ऐसे ही आप जो भी साउंड यहाँ पे लगाना चाहते हैं उस तरह से हम लोग यहाँ से कोई भी साउंड ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग अपने प्रोजेक्ट में लुक्स और साउंड पे वर्क करते हैं, ठीक है। तो दिस वॉज योर अबाउट चैप्टर नंबर 9। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।